गाइस आप लोगों को पता होगा कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में दो दिन पहले ही एक छोटा सा अपडेट आ चुका है, जिसमें कि यार बहुत सारे न्यू सीक्रेट चीट कोड ऐड किए गए हैं, जो कि यार आप लोगों को पता ही नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं सब चीट कोड्स को बताने वाला हूं, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो। सबसे पहले गेम ओपन करने के बाद आप लोगों को सेटिंग ओपन कर लेना है और यहां पर लिखा हुआ दिखेगा मोड स्लॉट्स। तो आप लोगों को अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो सिंपली यहां पर 8 सेट कर लीजिए एंड ग्राफिक्स अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने न्यू अपडेट किया है तो। चलो यार इधर तो सब हो गया, अब चलते हैं गेम में। पर उससे पहले मैं आप लोगों को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूंगा, जो कि यार आप लोग गेम में ट्राई कर सकते हो। चलो यार तो मैं गेम में आ चुका हूँ एंड नीचे आप लोगों को सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि यार इंटरनेट है। और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर दो दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक थे RGS मोड फाइल का, एक थे चीट्स मोड। सिंपली हम अभी चीट्स मोड पर क्लिक कर देते हैं एंड मैं जो लिंक दूंगा सबसे टॉप वाले को यहाँ पर पेस्ट करना है, मतलब कि उस पर क्लिक नहीं करना है बल्कि होल्ड किए रखना है, ताकि ऑटोमेटिकली अपने फोन में वो लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर चीट्स मोड में आ करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ध्यान रहे कि डेटा ऑन रहना चाहिए, और डेटा ऑन होने की वजह से ऐड भी आ सकते हैं। पर कोई ना यार, ऐड खत्म होने के बाद थोड़ी देर तक वेट करना है, फिर आपका यहाँ पर फाइल लोड हो जाएगा। बट यार अभी तक से हमारा हुआ क्यों नहीं होगा क्या? चलो कोई ना यार, थोड़ा सा देर लगा बट फाइल लोड हो चुका है। तो चलो यार इससे क्या होने वाला है, मतलब कि यार अपने फोन को निकाल करके डायल में जा करके एक डायल कर देना है, और इससे कि यार आपके सामने KGF बाइक आ जाएगी, जो कि यार काफी अच्छी लग रही है, मतलब कि न्यू अपडेट में ही आई हुई है। तो गाइस यार अब बढ़ते हैं दूसरे कोड की तरफ। तो यार दूसरा कोड सेव होने वाला है RGS मोड फाइल में, क्योंकि यार चीट्स मोड में केवल एक ही फाइल लोड होता है। तो अब दूसरे लिंक को पेस्ट करते हैं RGS मोड फाइल में, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड सिंपली जा करके RGS मोड फाइल में पेस्ट कर देते हैं एंड सही पर क्लिक करने के बाद फाइल लोड भी हो जाएगा। तो फटाक से गेम को रिस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यार जो चीज भी ऐड होना होता है रिस्टार्ट होने के बाद हो जाता है। तो चलो यार फटाफट चलते हैं हम एयरपोर्ट पर, क्योंकि यार वहीं पर कुछ ऐड होने वाला है। पर एक सेकंड गाइस, मेरे को इधर कुछ तो दिखा, भाई साहब एक कंटेनर से क्या बनाया गया है यार? शायद से एयरपोर्ट वाले लिंक के साथ साथ ये भी पेस्ट हो गया था क्या, या तो फिर ऐसा हुआ कि ये दोनों एक ही लिंक से आते हो। तो चलो यार फटाफट चलकर देख लेते हैं एयरपोर्ट पर कि यहाँ पर आया या फिर नहीं जो चीज ऐड होने वाला था। वेट गाइस, शायद से ऐड हो चुका है यार, मतलब कि हेलीपैड ही ऐड होने वाला था और यहाँ पर हेलीपैड ही ऐड हो चुका है। चलो यार इसके ऊपर चलकर देखते हैं, भाई साहब यहाँ से तो काफी अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पर मैंने एक हेलीकॉप्टर को लगा करके स्टार्ट कर दिया, जिससे कि यार इसकी पंखी काफी तेज चलने लगी और काफी अच्छा दिख भी रहा है। बट गाइस चलकर देखते हैं वो कंटेनर से क्या बनाया गया है। ओ हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि इससे क्या बनाया गया है, मतलब कि यार इसके ऊपर एरोप्लेन को दौड़ाना है, वो भी विदाउट इसके बगल में टच करा है। लेकिन गाइस देखने में काफी ज्यादा लंबा लग रहा है, लेकिन यार मैं यहाँ पर प्लेन तो ना दौड़ाऊंगा, यहाँ पर मैंने मंगा लिया है निशान GTR कार को। तो चलो यार इसी को लेकर के चलाते हैं यहीं पे। और यार यहाँ पर तो ये काफी तेज से दौड़ भी रही है और देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है यार। तो देखते हैं यहाँ से इसको नीचे कुदा करके क्या होने वाला है हमारे साथ। ओ भाई ये क्या है, भाई साहब लग रहा है कि रोड पे दौड़ रहा है यार, बिल्कुल सीधा दौड़ रहा था बट यार मैं गिर गया और मेरा हेल्थ भी पूरा कम हो चुका है। बट कोई नहीं यार, अब चलते हैं हम तीसरे फाइल की तरफ। तो तीसरे फाइल का भी लिंक है हमारे पास, जो कि यार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यार तीसरे फाइल को भी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड फटाक से चल करके RGS मोड फाइल में पेस्ट कर देते हैं एंड इसको भी पेस्ट करने के बाद सेव कर देते हैं एंड कुछ ही देरों के बाद फाइल भी लोड लिख देता है। तो फटाक से गेम को रिस्टार्ट करके आ जाते हैं। जैसे ही मेरा गेम रिस्टार्ट होता है तो क्या देखता हूँ यार, यहाँ पर लगा हुआ है क्या बोलते हैं यार, मेरे को तो नहीं पता बट शायद से मिस्टेक भी हो सकता है। पर कोई ना, अब हम आपको लेकर के चलते हैं सीधा कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ, क्योंकि यार वहाँ पर ही ये वाला ब्रिज ऐड हो चुका है, जो कि यार इधर से तो काफी अच्छा है। एंड ये देखो यार बाइक कितना ज्यादा जंप किया भाई साहब, लेकिन ब्रिज भी काफी लंबा है यार, मानना पड़ेगा। चलो आगे से भी देखते हैं, बट ये क्या हो गया यार, इतना लंबा जंप इधर भी हो रहा है, बाइक की स्पीड तो कह नहीं सकते यार, इतना ज्यादा स्पीड है यार इसकी। चलो यार तो अब बढ़ते हैं अगले फाइल की तरफ, उसको भी हम RGS मोड फाइल में सेव करने वाले हैं। तो फटाक से हम चौथे लिंक को भी कॉपी कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं इस लिंक को लेकर के RGS मोड फाइल में पेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर पेस्ट करके हमने सेव भी कर दिया एंड गेम को भी रिस्टार्ट कर लिया। तो इससे आता ये है कि यार एक बहुत ही लंबा रैंप आ जाता है, जो कि यार खत्म ही नहीं होता, खत्म होता है तो यार आप लोग भी खत्म हो जाओगे, मतलब कि यार अपने सिटी में वापस लौट कर आने ही नहीं पाओगे। बट गाइस इसके ऊपर जाने के लिए हम बाइक से तो ऊपर जा नहीं पाएंगे, बट यार ऊपर अभी नहीं बल्कि ये देखते हैं कि इसको हम हटा पाएंगे या फिर नहीं। तो हटाने के लिए फटाफट एक पिस्तल को निकाल लेते हैं, फायर करते हैं। ओ शायद से मेरा RGS मोड ऑन नहीं है, तो फटाक से इसको भी हमने ऑन कर लिया एंड फायर करते हैं। भाई साहब ये सब तो हटने लगा यार, मतलब कि मैं
इसको हटा भी सकता हूँ, बट यार हटाने में समझ ही रहे हो कि कोई फायदा है नहीं। तो एक काम करते हैं, गेम को रिस्टार्ट करके हम आ जाते हैं मॉन्स्टर ट्रक को लेकर के इसके ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यार इस रैम के ऊपर जाने के लिए इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। बट यार मेरा फोन क्यों लेकर आ रहा है? चलो यार, हमने फोन को भी ठीक कर लिया एंड शुरुआत में देख सकते हो यार कुछ इस टाइप से चलेगा, लेकिन जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो देख ही पा रहे हो यार कि ये तो यार क्या बताऊं, इसके सामने तो इस्टुगार बाइक भी फेल है यार। बट ये खत्म कहाँ होगा, ये देखो यार खत्म भी हो चुका है एंड मैं भी नीचे गिर गया। तो गाइस यही थे इस अपडेट के न्यू कोर्स एंड न्यू फाइल्स। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा ट्रेन टनल, स्पाइडर टनल एंड कार शोरूम का जो भी मॉडिफाइड था वो सब तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि यार वो पिछले अपडेट में ही आ चुका था। अगर नहीं भी पता हुआ तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का भी लिंक दे दूंगा, आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।